बदलता रहता है, इसमें नए नए तरीके जो हैं वो गैंग्स उत्तराओं की करते हैं क्राइम करने की। तो इनकी जो लर्निंग है लाहौर और कराची जैसे शहर में, जो पुलिस की लर्निंग है क्राइम की, क्राइम को कॉम्बैट करने की और क्राइम को समझने की, वो किसी ऐसी जगह से ज़्यादा होती है जो कि एक देहाती इलाका हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि कोई देहाती ज़िला है विदाउट नेमिंग एनी डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें जो क्राइम पैटर्न है वो इतनी तेज़ी से बदलते नहीं हैं जितना कि बड़े शहरों में क्राइम पैटर्न कभी बदलते हैं। और वो क्राइम पैटर्न बदलने से नए नए जो जिसको हम कहते हैं मोडस ऑपरेंडी एमओ जो जिसको हम कहते हैं वारदात का जो तरीका है, नए नए जो वारदात के तरीके हैं उनकी वजह से लाहौर की पुलिस की जो ट्रेनिंग है वो ज़्यादा होती है। इसी तरह जो टूल्स हैं, जो नए टूल्स हैं वो टेक्नोलॉजी के हों, वो आप कॉन्टेक्ट एनालिसिस के टूल हों, वो क्राइम एनालिसिस के टूल हों, वो सीआरओ का रैकेट हो, वो फिंगरप्रिंट लिफ्टिंग हो, वो मोबाइल डेटा का एनालिसिस हो, वो जियो फेंसिंग हो, वो यूज़ ऑफ लोकेटर्स हो, वो जो GPS लोकेशंस हैं उनका यूज़ हो, इंटरनेट के ऊपर हमारी जो जियो लोकेशन या पोजीशनिंग होती है उन टूल्स का यूज़ हो, ये तमाम जो टूल्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में कोई नया टूल आएगा आपकी फ्रेंजिक टूल्स हो, वो सबसे पहले बड़े शहरों में इस्तेमाल होते हैं। तो बड़े शहरों की पुलिस को ये एडवांटेज होता है कि वो नए टूल्स का भी इल्म और तजर्बा उनको पहले होता है और नई नई जो क्राइम करने के जो नित्य अंदाज हैं उनका भी तजर्बा उनको दूसरी जगहों से ज़्यादा होता है। तो जब मैं ये कहता हूँ कि लाहौर की पुलिस ज़्यादा कॉम्पिटेंट है तो उसका ये मतलब नहीं है कि लाहौर की पुलिस कोई और दूध पीती है या कोई और गंदम खाती है, ये भी उसी तरह के पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन आपकी जो कॉम्पिटेंस है उसका ताल्लुक है आपके तजर्बे से। आपका जितना ज़्यादा तजर्बा होगा उतनी आपकी कॉम्पिटेंस बढ़ेगी। दूसरी एक और बात है जो लाहौर की पुलिस की कॉम्पिटेंस की वजह मुझे समझ आती है, वो है वर्कलोड। आप एक ऐसा बॉडी बिल्डर है जो 30 kg का वज़न उठाने के लिए अपने मसल बनाता है, उसकी जो बॉडी है उससे कम तर होगी जो 60 kg के ऊपर अपना मसल बना रहा है। तो जितना लोड आप ज़्यादा उठाते हैं, जितना काम आप ज़्यादा करते हैं, उतनी आपके मसल जो हैं वो डेवलप होते हैं, और मसल को इन्वेस्टिगेशन में अगर हम कन्वर्ट करें तो उसको हम स्किल्स कहते हैं। तो आपकी इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स जितने ज़्यादा बेहतर डेवलप होते हैं, लाहौर के जो IOs हैं उनका भी जो एक इंडिविजुअल IO का वर्क लोड है वो बाकी जिलों से ज़्यादा है। ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा बात दौड़ करनी पड़ती है, ज़्यादा अदालतों में पेशियाँ होती हैं, हाईकोर्ट आपके पास है, 70-71 पेशियाँ हमारी हाईकोर्ट में जो मिसलें डेली जाती हैं। तो ये जो सारी ट्रेनिंग है इन्वेस्टिगेशन की, वर्कलोड, इससे भी इनकी जो कैपेसिटी है वो बेहतर होती है। तो विद दीज इनिशियल रिमार्क्स, कुछ इनकी जो कारकर्दगी है इस एक महीने डेढ़ महीने में लाहौर की, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। हमारी जो CAE की टीम है लाहौर की, ये हमेशा ट्रेडिशनली क्राइम फाइटिंग में हरावल दस्ते का जो रोल प्ले किया है। आज भी जब 2021 में हम बैठे हैं दिसंबर के महीने में, आज भी जो सीरियस क्राइम आपका है जिसमें डकैतियाँ हैं, आपकी रॉबरीज हैं, आपकी डिपार्टी में मर्डर है, आपका जितना सीरियस क्राइम है उसको कॉम्बैट करने में अभी भी आपकी CAE हरावल दस्ते का रोल प्ले कर रही है। हम कर ये रहे हैं कि CAE को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इनको रिलीज ऑफिसर जो कॉम्पिटेंट हैं वो दे रहे हैं, ताकि क्योंकि CAE में जो सबसे जो स्ट्रॉन्ग इनका काम है, जो चीज़ है, वो इनके लोग हैं। जो लोग हर ऑर्गेनाइजेशन को लोग चलाते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन कोई कॉरपोरेशन हो, चाहे वो कोई डिपार्टमेंट हो या इवन मुल्क हो, जो क्वालिटी ऑफ पीपल है उससे कौमों की क्वालिटी बनती है। एक कौम जितनी ज़्यादा उसके इंडिविजुअल्स काबिल होंगे, वो कौम वैसी है कौम भी उतनी ही काबिल होगी। इसी तरह जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो काम करने वाले, उसको आप ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स कॉम्पिटेंट होगा तो उस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हम मैक्सिमम कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं उसे ये को दे सकें। इसमें लाहौर पुलिस की ये स्टेटेड पॉलिसी है, एंड दिस पॉलिसी कम्स फ्रॉम दी हेड ऑफ लाहौर पुलिस जो CCPO हैं, और उसको फिर इम्प्लीमेंट करना होता है हम लोगों ने, DAG ऑफ्स ने और DAG इन्वेस्टिगेशन। तो ये एक माह की जो ये महीना नवंबर का है, इसमें दिसंबर के भी ये 10 दिन शामिल कर लें, उसमें CIA ने एक कैटेगरी के 13 इश्तिहारी गिरफ्तार किए,
और 20 गैंग जो हैं छोटे बड़े। हमारा लाहौर में जो गैंग है, गैंग के कॉन्सेप्ट जो हैं वो कोई फिक्स नंबर गैंग नहीं होता है। आपने देखा होगा कि स्ट्रीट क्राइम लाहौर में बहुत ज़्यादा है। अब स्ट्रीट क्राइम करने वाला जो गैंग है वो यूजली दो लोगों पे मुश्तमिल होता है। तो गैंग में दो लोग भी हो सकते हैं, और अगर हाउस रॉबरी में आप देखें, जो हाउस रॉबरीज हुई हैं लाहौर के अंदर, डकैतियाँ हुई हैं, उनमें 5 लोग भी गए हैं, 7 लोग भी गए हैं। तो हमारा जो पुलिस में गैंग है उसका कोई फिक्स नंबर नहीं होता। आप सारे तजर्बाकार साहब इस बात को समझते हैं, लेकिन जो नए हैं मैं उनकी कंजम्पशन के लिए बात कर रहा हूँ कि आपका गैंग 2 बंदों का भी हो सकता है, और आपका गैंग जो है वो 20 बंदों का, 30 बंदों का भी हो सकता है। तो लगभग 20 गैंग्स हैं जिनके 87 मेंबर्स हैं, जो लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किए CIA ने, और उनसे जो स्टोलन प्रॉपर्टी है वो 7,32,00,000 रुपये नकदी की सूरत में, और 54 तोले जो जेवरात की सूरत में, और कुछ मोटरसाइकिलें उनसे बरामद हुई हैं। मोटरसाइकिलें 2 तरह की होती हैं, एक तो जिनको वारदात करते हैं, दूसरी मोस्टली ये जो गैंग मोटरसाइकिलें इस्तेमाल करते हैं वो स्नैश मोटरसाइकिलें होती हैं। वो किसी छीनी हुई मोटरबाइक होगी उसी को वो क्राइम में इस्तेमाल करेंगे, नेम नंबर प्लेट उसकी बदल के या कोई डिफरेंट लगा दिया उसके बजाय। इसमें मैं अब वन बाई वन, हमारी जो CIA लाहौर है वो डिफरेंट डिविजन्स में काम करती है, इसका ओवरऑल क्रेडिट डेफिनेटली SPCIA लाहौर को जाता है। आसिफ इफ्तिखार आप उनको जानते हैं, इज़ अ वेरी गुड ऑफिसर।